ये देखो सुंदर सर भी आ गए। सर चाय पी लो, ठंड बहुत रखी है। चलो हाँ हाँ जरूर पियेंगे यार, ठंड में चाय पीने का मजा ही अलग है। यार सर आज मौसम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या लगता है बारिश होगी? सर लग तो रहा है होगी बारिश। क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 50% लग रही है। अरे यार मौसम चेंज हो रहा है, अब क्या लगता है क्या प्रोबेबिलिटी है? सर अब मैं कहूँगा 90%। तो दोस्तों देखा आपने, पहले जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 50% यानी 1/2 थी, जैसे ही पता चला कि मौसम क्लाउडी है मतलब एक कंडीशन लग गई, तो उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी चेंज होके 90% मींस 9/10 हो गई। इसे ही हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड मेंटर सुंदर फ्रॉम जेनी, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज बेयस थ्योरम। काफी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है और इससे डर भी लगता है। डरना नहीं, आइए मैं इसे समझाता हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीके से। बट इसको समझने के लिए पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना पड़ेगा, जिसको हमने अभी एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझा था। अब इसी चीज को मैथमेटिकली समझने के लिए मैं डिस्कस करता हूँ इसका एक एग्जांपल। आइए चलिए। हाँ जी, तो देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब इसमें हमने क्या किया, दो डाइस को थ्रो किया और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है that sum of the numbers on the two dice is prime given that the first die shows the number 4. अब इसको हम कैसे solve करें? देखिए, जब हम एक pair of dice को throw करते हैं, तो as you all know कि हमारे पास क्या-क्या outcome आ सकता है, भाई 1-1 मतलब पहली die पे 1, दूसरी पे 1, या फिर 1-2, या फिर 1-3 and so on, या फिर 1-6, ऐसी of course 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 and so on and so on, हम लोग जब चलते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 6-1, 6-2, 6-3 एंड सो ऑन 6-6। तो ये हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स। अब इनमें से हमने प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है, देखो वो क्या है हमारा इवेंट, दैट प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज प्राइम given that first die shows 4. Now, how to evaluate this probability? अब देखिए, ये probability निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, आपको junior class से पता है कि probability आएगी favorable outcomes upon total outcomes. तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे बात करूं total outcomes की, तो total outcomes कौन सी है? अगर आप ध्यान दें, वो कहता है नंबर प्राइम सम प्राइम होना चाहिए एंड फर्स्ट डाई 4 शो करे। इसका मतलब अगर मैं ऐसे वाले आउटकम्स लिखूं, तो ध्यान से देखो यहां पे आएगा एक रो 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 एंड 4-6। तो ये है वो वाले सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हमारी इन दोनों कंडीशंस में से सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब इसका मतलब अगर मैं टोटल आउटकम्स लिखूं तो क्या आया मेरे पास, 6। अगर मैं फेवरेबल की बात करूं तो फेवरेबल कौन से हैं, भाई जो दोनों डाइस का सम है वो क्या होना चाहिए, प्राइम। प्राइम समझते हो, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इनमें से जरा देखें कौन कौन से, पहली पे 4, नेक्स्ट पे 1, इसका मतलब इनका सम क्या बना, 5, विच इज अ प्राइम नंबर। पहली पे 4, नेक्स्ट पे 2, मतलब सम क्या बना, 6, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। पहली पे 4, नेक्स्ट पे 3, मतलब सम 7, विच इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब ये भी हमारी फेवरेबल आउटकम है। 4-4 सम इज 8, फेवरेबल नहीं है। 4-5 9, ये भी प्राइम नहीं है। 4-6 ये भी प्राइम नहीं है। इसका मतलब अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं तो क्या आया आंसर, 2। सो द आंसर इज 2/6। अब अगर मैं आपको कहूं कि कैन यू रिलेट दिस थिंग विद होल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, द आंसर इज यस। कैसे, देखो अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं, मैं ऐसे लिख दूं 2/36/6/36, बोलो चलेगा? यार ये बराबर ही है, 36 से 36 कैंसिल हो गया। एंड 36 क्या है यहां पर हमारे पास, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इस चीज को लिखना चाहूं 2/36 को, तो क्या मैं ये लिख दूं कि भाई दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम
एंड फर्स्ट डाई शोज 4. बोलो, लिख दूं चलेगा? यही तो है भाई, सम इज प्राइम एंड फर्स्ट डाई शोज 4. अगर आप ध्यान दो, यही तो बना. एंड अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें, 6/36, उसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान दें, 6 को क्या मैं ये लिख दूं? फर्स्ट डाई शोज 4. इट मींस दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाई शोज 4. इट मींस अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर ये जो इवेंट है मेरे पास दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज प्राइम, इसको अगर मैं इवेंट को नाम दे दूं ई, और अगर मैं ये जो है फर्स्ट डाई शोज द नंबर 4, इसको मैं नाम दे दूं एफ, तो ध्यान से देखो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी दैट ई, गिवन दैट ई हैज एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. इट मींस आई कैन राइट इट लाइक दिस, यही लिखनी थी हमने. और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आया किसके बराबर? दैट फर्स्ट डाई इज शोइंग 4 एंड द सम ऑफ द नंबर्स इज अ प्राइम. इट मींस एंड आया. एंड का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है? इंटरसेक्शन. मींस जो इसमें भी है एंड इसमें भी है. इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, अगर आप ध्यान दें ये क्या है मेरे पास, कौन सा इवेंट है ये? एफ वाला. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. इट मींस अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो ये आ गया हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इट मींस इन जनरल अगर मैं लिखूं कि भाई हमारे पास ए कोई एक इवेंट है, बी कोई एक दूसरा इवेंट है, और मैंने निकालनी है प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? गिवन दैट. तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये बन गया हमारा एक जनरल रिजल्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए. तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक रिजल्ट जो कि आप सभी को याद होना चाहिए. एक छोटी और आसान सी चीज आपको और पता होनी चाहिए, दैट इज पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस तो पता ही है सभी को. जी हाँ, बिल्कुल सही. सैंपल स्पेस मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन. टॉसिंग अ कॉइन में क्या क्या आ सकता है आउटकम हमारे पास? जी हाँ बिल्कुल, या तो हेड या फिर टेल. मींस सैंपल स्पेस क्या आया? सेट कंटेनिंग एच कॉमा टी. टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स में क्या आएगा? सेट कंटेनिंग एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी. थ्रोइंग अ डाई में क्या आएगा? सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल में पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया तो क्या लिखा था? जी हाँ, सेट कंटेनिंग 1, 1, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 6, 6. अब सपोज ये एक सैंपल स्पेस है. ऑफ कोर्स इस बॉक्स को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सेट. अब इसके पार्टीशंस का मतलब क्या हुआ? जी बिल्कुल, इसके हिस्से. जैसे ये हमने इसके हिस्से कर दिए, ये भी इसके पार्टीशंस ही हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू बेस थ्योरम जो आप सबको समझ आ चुकी हैं. तो आइए अब हम बात करते हैं आज के हमारे सबसे अहम टॉपिक की. कौन सा? भूल तो नहीं गए? जी हाँ, बेस थ्योरम. सपोज ये एक सैंपल स्पेस है और E1, E2, E3, E4, E5 इसके पार्टीशंस हैं. एंड लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस. से वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड. नाउ हाउ टू फाइंड इट? आइए देखते हैं. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब ये वाला फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप ध्यान दो, हमने अभी भी जो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट पढ़ा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसका यूज करते हैं. इसको हमने क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी.
अब यहां पे क्योंकि मेरे पास ए तो है ठीक है बट बी है, तो बी की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं E3। तो मींस अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E3 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। बोलो ये लिख दूं चलेगा? अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो देखो ये क्या आया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। इट मींस अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं, देखो E3 की इंटरसेक्शन विद ए एंड यहां पे है ए की इंटरसेक्शन विद E3। इंटरसेक्शन का मतलब जैसे मैंने अभी भी बताया था क्या होता है, कॉमन। अब चाहे आप इसका कॉमन इसके साथ लो या इसका कॉमन इसके साथ, दोनों सेम है मानते हो। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिनोमिनेटर में ए आ रहा है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहां से हमें नजर आ रहा है कि ए का कुछ हिस्सा E1 के साथ कॉमन है, कुछ E2 के साथ कॉमन है, कुछ E3 के साथ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर मैं ए इवेंट को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं। देखो ए का कुछ हिस्सा E1 के साथ कॉमन है तो मैं एक काम करता हूं, ए की इंटरसेक्शन ले लेता हूं E1 के साथ। ए का कुछ हिस्सा E2 के साथ है तो मैं लिख लेता हूं ए इंटरसेक्शन E2। फिर ऐसे ही लिख लेता हूं इसको ए इंटरसेक्शन E3। फिर ऐसे ही ए इंटरसेक्शन E4 एंड ए इंटरसेक्शन E5। मतलब ए का सबके साथ कॉमन था तो मैंने कॉमन वालों को लिख लिया और अब मैं इन सबको यूनाइट कर देता हूं। यूनाइट करने का मतलब मैथमेटिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन सबकी यूनियन। तो ध्यान से देखो जैसे ही मैंने इन सबकी यूनियन ली तो ये क्या बन गया मेरे पास, ए ही तो बना। इसका मतलब ए इवेंट तो इसके बराबर है। इट मींस अगर मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना चाहूं तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इट मींस आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E5। एंड जैसा कि अभी भी हमने देखा कि जो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी है उसको तो हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन E3 की प्रोबेबिलिटी लिखी थी वैसे अगर मैं ए इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी लिखूं तो ध्यान से देखो क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 क्या लिख सकता हूं यहीं से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सबकी लिखते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E5। तो जैसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या आई, ध्यान से देखो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस सो ऑन प्लस ये लास्ट में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E5। तो ये आ गया मेरा आंसर, ये बन गया हमारा रिजल्ट। अब ये तो हमने कहा कि इसके 5 ही पार्टीशंस बने। अब अगर इन जनरल मैं बात करूं कि भाई एक सैंपल स्पेस है जिसके पार्टीशंस बन रहे हैं E1, E2, E3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन EN, उसके N पार्टीशंस बने और A इज सम इवेंट एसोसिएटेड टू द सैंपल स्पेस एंड सपोज हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं ith इवेंट E की गिवन दैट A हैज ऑलरेडी occurred। अब ith का मतलब वो E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E3 भी हो सकता है एंड सो ऑन ENth भी हो सकता है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं तो बोलो क्या आया मेरा आंसर, बिल्कुल ठीक, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI होल अपॉन, ये बन गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2
plus so on plus probability of E n give into probability of A given E n. तो ये बन गया हमारे पास बेज थ्योरम का रिजल्ट. इसी को हम कहते हैं बेज थ्योरम्स. एंड इन फैक्ट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ योर 12th एनसीईआरटी बुक. इस रिजल्ट का क्वेश्चंस में यूज कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि कब कब और कहां कहां बेज थ्योरम का यूज करना है, ये सीखने के लिए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर आई एम सुंदर फ्रॉम जेनी योर जीनी एट होम.